मनमोहनी सरकार की गलत नीतियों की सजा आम आदमी भोगने को मजबूर है, ये हम नहीं व्यापारी वर्ग कह रहा है। सरकार व्यापारी वर्ग पर जो भी टैक्स लाद रही है, व्यापारी वर्ग का साफ कहना है वह टैक्स हम आम आदमी के जेब से ही निकालेंगे, यानी अगर सजा भुगतेगा तो आम आदमी। इसलिए शायद आम आदमी खास आदमी कभी नहीं बन पाता। सरकार ने बजट में जो टैक्स स्वर्ण व्यापारियों पर लादे है, उसकी वजह से स्वर्ण विक्रेताओं ने 3 दिनों तक अपनी दुकानें बंद कर सरकार द्वारा लागू किए गए बजट का विरोध कर रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी खत्म करो, एक्साइज ड्यूटी खत्म करो, हमारी मांगे पूरी करो। व्यापारी वर्ग ने साफ कहा है कि अगर सरकार नहीं मानती तो हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देखिए व्यापारी वर्ग का क्या कहना था। अभी ज्वेलर्स के दुकान पे ताला लटक रहे, ऐसी क्या खास बात है, क्यों दुकानों पे ताला जड़ दिया गया है? बजट के अंदर जो अभी आया है ना, वो नॉन ब्रांडेड ज्वेलरी है, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाया है। वो हम लोगों को हैरान करने के लिए लगाया गया है, इससे वो नहीं लगना चाहिए, उसके विरोध के अंदर हमने बंद किया है। सर जानना चाहेंगे ज्वेलरों पे इसका कितना बोझ पड़ रहा है? इससे बहुत डबल, जितना भी टैक्स लगा उसका डबल हो जाएगा। पहले भाव ज्यादा है, पहले से भाव ज्यादा है, ग्राहक ही नहीं है, और ग्राहकों के ऊपर इतना हैवी टैक्स लगाने से ग्राहक आते ही नहीं दुकान, क्या करो। मतलब गवर्नमेंट की नीतियों से आप खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। लगता है कि इस तरह से दुकानें बंद कर देने के बाद सरकार जो है उसकी नींद टूट जाएगी और जो स्वर्णकारों की जो मांगे हैं, ज्वेलरों की जो मांगे हैं वो पूरी होगी? विरोध करते हैं तो सरकार को मानना ही चाहिए सर, क्यों नहीं मानना चाहिए? नहीं मानेंगे तो सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं। ब्रांडेड ज्वेलरी के ऊपर लगावे तो ठीक है, अब नॉन ब्रांडेड के ऊपर लगाने तो कोई मतलब नहीं है। गरीब से गरीब आदमी लेते हैं, उसके ऊपर वही व्यापारियों के अध्यक्ष से जब बात की गई तब उनका कहना था। अर्जुन जी ये जानना चाहेंगे, आज जो दुकानें बंद की गई है क्या वजह है, किन कारणों से दुकानें बंद कर दी गई है? गवर्नमेंट की जो नीति है, आए दिन नए नए कर लगा दिए, अभी जो 2% एक्साइज ड्यूटी थी उसको बढ़ा के 4% कर दी गई है। पहले से व्यापारी मंदी की मार से गुजर रहा है और ये टैक्सेस से और भी व्यापारियों के मार पड़ेगी, जो ग्राहकों के लिए भी असहनीय रहेगी। तो सर मनमोहन सरकार की नीतियों से आप खुश नहीं हो? मनमोहन सिंह की नीति उदारीकरण की नीति है, उससे काफी विकास और ये भी संभव हुआ है, पर आए दिन ये जो टैक्सेस लग रहे हैं उससे व्यापार के ऊपर काफी असर आ रहा है। फिलहाल सरकार द्वारा 2012 के बजट का सभी ओर से विरोध हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मनमोहनी सरकार के विषय में अन्ना हजारे की भविष्यवाणी सच हो जाए कि जो जनलोकपाल बिल पारित नहीं करते और जनता का हित नहीं सोचते उन्हें जाना होगा। कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की स्पेशल रिपोर्ट।